बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ शाह जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ा एक अफसोसनाक वाकया पेश हुआ जब सितारा मार्केट में इस्लामाबाद में जो पीटीए के तर्जमान है जनाब हसन रऊफ साहब पे उन पे कातलाना हमला हुआ है, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा थाना कंपनी कराची में दफा 144 की वायलेशन करते हुए पीटीए के जो कारकुनान जो जिन पे मुकदमा था, तो उनका केस खत्म हुआ है, वो केस खारिज हुआ है, तो उस पर थोड़ी सी हम डिटेल बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा रिलीफ मिला है पीटीआई के जो बानी है जनाब इमरान खान साहब को। आपको याद होगा कि 10 मई 2023 को टेरिन वाइट का केस एक फैसला आया था, तो जिसको अदालत ने उसको बेबुनियाद कह के उसको फर्क कर दिया था, तो आज उसकी दोबारा फिर हेयरिंग थी, तो उसमें एक दफा फिर इमरान खान साहब को मिला है रिलीफ, मिला है, हक की जीत हुई है उनको बहुत बड़ा, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। तो कबल इसके कि हम अपना वीलॉग डिटेल शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज के इस वीला की डिटेल। जी सबसे पहले मैं मजम्मत करता हूं आज के वाक़े की, ये जो सितारा मार्केट इस्लामाबाद में हुआ, पीटीआई के जो तर्जमान है जनाब हसन रऊफ साहब निजी टीवी के चैनल से बाहर आ रहे थे, तो वहां पर एक नामालूम अफराद ने उनके ऊपर एक कातलाना हमला किया, उनके चेहरे पे बहुत गहरे जख्म हैं, तो फौरन उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहां पर उनकी जो एमरजेंसी में उनको उनके चेहरे पे जो जख्म है उनको स्टिच किया गया और उनको अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। आज ट्वीट भी किया जनाब गौहर अली खान साहब जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत एक बुजदलाना और एक बड़ी भोंडी किस्म की एक हरकत है जो काबिल मजम्मत है, इसकी मैं तहकीक करने की रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसकी तहकीक ज़रूर करें। बेसिकली तो ये बहुत एक बुजदलाना एक कोशिश है कि आप अपने हरीफ को जो आपकी बातों से नहीं मुतासर हो रहा या उससे नहीं वो ज़ेर हो रहा, तो आप उनको हमलों से डरावे और धमकावे से आप उनको पीछे करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर उसकी मजम्मत करता हूँ और तहकीकात का मैं मुतालबा करता हूँ। जो दूसरी खबर है वो है कि थाना कंपनी कराची में आपको याद होगा पिछले साल दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए पीटीआई और दीगर बहुत से रहनुमाओं पे एक मुकदमा दर्ज किया गया था, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर, तो बहुत से लोगों पे वो मुकदमा थे, तो आज एडिशनल जज जनाब अहमद अरशद की अदालत में ये केसेस थे, तो उन्होंने 5000 रुपए के मुचलकों के इवज उनकी जमानतों के आज ऑर्डर जारी कर दिए, जिनमें बैरिस्टर गौहर अली खान से और शुएब शाहीन साहब थे और आमर मसूद साहब थे, तो उनकी ये दरख्वास्तें आज निपटा दी गई हैं, तो उनको आज एक रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के जो बानी हैं जनाब इमरान खान साहब का जो केस था पिछले साल जो लगा हुआ था, तो उसकी आज दोबारा फिर उन्होंने ओपन किया था, 2-3 दिनों से बड़ी उसकी शनीद थी कि आज बहुत बड़ा एक कोहराम उठेगा, तो आज फिर वो केस रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। जज जनाब आरक जहांगीरी की आज सरपरस्ती में ये केस था, तो उन्होंने इसकी सुनवाई करते हुए इस केस को एक दफ़ा फिर खारिज कर दिया, तो एक दफ़ा फिर इनकी ये साजिश भी नाकाम होगी, तो आज हक की जो है वो फतह नसीब हुई है। मैं सबसे पहले आप बताता चलूं कि इस केस की जो शुरू में पैरवी की थी वो की थी सलमान अकरम राजा साहब ने, वो आउट ऑफ कंट्री है, तो उनके बाद नईम पंजौता साहब ने आज बड़े बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे दलाइल पेश करते हुए बताया कि पिछले साल 10 मई 2023 को इस केस का फैसला गया था, जब दो जजेस के मुकाबले में एक जज ने इसकी मुखालफत की थी और वो जिन्होंने मुखालफत की थी वो जस्टिस आमर फारूक साहब थे, जबकि इसके हक में जो जिन जजेस ने इस पे फैसला लिखा था वो थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जबकि दूसरे जो जस्टिस हैं वो हैं जी चीफ जस्टिस जनाब अरबाब ताहिर साहब, तो उन्होंने इस केस के हक में फैसला किया था और जस्टिस आमर फारूक ने इस केस की मुखालफत की थी 10 मई 2023 को, तब उन्होंने इस केस की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, तो अब पिछले 3-4 दिनों से इस केस को दोबारा फिर रीओपन करने की दरख्वास्त वहां पे दायर की गई थी, तो ये मुखालिफ बड़े खुश थे कि जी आज एक दफा फिर जी कप्तान को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह अल हक है, इस केस में भी इमरान खान को एक दफा फिर रिलीफ मिला, हक की जीत हुई और ये केस भी यहां से फारग हो गया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। और मैं आपको बताता चलूं कि नईम पंजौता साहब ने जब अपने दलाइल शुरू किए उन्होंने कहा कि जो 6 जजेस का जो मामला है उस केसेस में भी इस केस का जिक्र है, और जब अदालत ने पुराना जो केस था उसको मंगवा के उसका जो खत खोला गया उसके बाद उन्होंने पढ़ के सुनाया कि जी इस केस का तो फैसला ऑलरेडी आ चुका हुआ है, बल्कि नईम पंजौता साहब ने कहा कि जब इसका ऑलरेडी फैसला आ चुका हुआ है, वेबसाइट पे लोड हो चुका हुआ है, तो अब आप एक छोटी सी प्रेस रिलीज के जरिए इस केस को
किस तरह खत्म कर सकते हैं। तो लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि जिस तरह पहले इस केस को खारिज किया गया था, एक दफा फिर इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। तो अदालत ने आज सारे दलाइल सुनने के बाद इस केस को एक दफा फिर मुस्तरद कर दिया। तो ये बड़ी एक खुशाइंद बात है और मुखालफों को तो वाकई ये बात बड़ी बुरी लगेगी, लेकिन ये हकीकतन ये हक की जीत है। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली इमरान खान साहब को 9 मई के जो केसेस थे उनमें भी बरीयत मिली है, और साथ में जो आज़ादी मार्च में जो उनके खिलाफ जो केसेस थे उनमें भी बरीयत मिली है, और बहुत सारे पिछले ऐसे केसेस आए हैं जिसमें उनको बरीयत मिली है। और सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू था वह तोशाहाना केस, वो भी उनकी सजा भी मुअत्तल हो चुकी है। तो अब सिर्फ 2 ही ऐसे केस रह गए हैं जो काफ़ी करीब लग रहे हैं, उनकी हियरिंग भी लास्ट मोमेंट्स पे हैं। तो अभी चंद दिनों में या चंद हफ्तों में ही उसका फैसला भी आ जाएगा, जिनमें से जो सबसे बड़ा केस है वो है जी साइफर केस है, वो भी यकीन करें कि एक नुक्ते पे खड़ा है और ये एकदम इसने गिर जाना, इसके भी पल्ले कुछ नहीं है। और जो दूसरा केस है जो सबसे भोंडा तरीन जो केस है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, मुमलकत मुस्लिम का जो सबसे भोंडा तरीन केस है जिसकी आज तक कोई मिसाल नहीं हमें मिलती, वो है जी इद्दत का केस। और इस केस ने भी फारग हो जाना है, इसके पल्ले भी कुछ नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज पीटीए के लिए बड़ा अच्छा दिन था, बानी इमरान खान के लिए बड़ा अच्छा दिन था जब टेरन वाइट का ये केस एक दफा फिर खारिज कर दिया गया है। तो मेरी तरफ से नईम पजोता साहब आपको मुबारकबाद जी, आपने बड़े अच्छे दलाइल दिए, सलमान अकरम राजा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इस केस को फॉलो किया, और साथ में जो दफ़ा 144 की जो दरख्वास्तें एक दफ़ा ये जमानतें जो मिली हैं आप पीटीए के लीडरान को, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ में मैं मजम्मत करता हूँ रऊफ हसन साहब को, जो उन पर कातलाना हमला हुआ है उसकी हम मजम्मत करते हैं और तहकीकात का मुतालबा पेश करते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आप आज का आपको वीला कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और वीला में। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकुमुल्लाह जी, खुदा हाफिज़।